मेरा मुद्दा मेरा रोजगार, जो सही है उसको वोट दो। अपनी लड़कियों के लिए कोई आसपास ही कोई अच्छा सा कॉलेज खुल जाए। और जो गंगा आप लोग की तरफ तो मेली गंगा का वो है, किसानों के बारे में ध्यान देंगे। निचले तबके के लोग काफी बिलोंग करते हैं हमारे यहाँ पर। मैं चाहती हूँ कि उनकी बेरोजगारी दूर हो। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था गिरती चली जा रही है, यही देश की सबसे व्यवस्थिता का कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं NavBharatTimes.com। मैं हूँ शेफाली। चुनाव कोई भी हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स का वोट हमेशा मायने रखता है। हमने भी इस बार यूपी के फर्स्ट टाइम वोटर से बात की और जाना उनसे कि वो इस बार किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी अभी रूलिंग में वो क्या कर रही है, और अगर वो सही या गलत कर रही है, तो जो अपोजिशन पार्टी है वो उसके खिलाफ कितना ज़्यादा एक्शन या उसके खिलाफ कितना खड़ी है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हुए हमें वोट देना चाहिए। क्षेत्र में बेरोजगार हैं पहले से युवा या फिर वरिष्ठ लोग भी, उनके लिए हमारे आसपास के जिलों में कई जिलों को मिला करके भी एक फैक्ट्री नहीं है, तो कम से कम एक कोई ऐसी फैक्ट्री बनाई जाए जिस पर लोग बाहर जा कर के काम न करें, कम से कम अपने आसपास के क्षेत्र में रहकर काम कर सकें। और डेवलपमेंट देखा जाएगा, जैसे कि सड़क हो जाएगा, पानी हो जाएगा, और जो पॉल्यूशन लेवल है उसको कंट्रोल करने की बात हो गई। अगर कोई करप्टेड कैंडिडेट खड़ा किया गया है तो हम उसको वोट नहीं करेंगे। हम इस चीज़ को अच्छे से पहचानेंगे, ये चीज़ देखेंगे कि जो प्रतिनिधि खड़ा किया गया है, जो उम्मीदवार खड़ा है, वो किस इसके पहले क्या काम कर चुका है, यदि वो पहले सांसद रह चुका है तो, या फिर पूर्व सांसद भी हो वो भी खड़ा है तो उसका भी देखेंगे कि उसने काम किसने अच्छा किया है। जिसने जनता के लिए अच्छा काम किया है हम उसको वोट करेंगे। राजनीति कास्ट को देख के ये सब नहीं करना चाहिए। आप जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता के लिए काम करें। कास्ट देख के जनरल ओबीसी का नहीं आना चाहिए, जनता का आना चाहिए जो कि जनता के लिए काम करे। सबसे बड़ी समस्या मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ और मैं स्वयं खेती कर चुका हूँ। तो मैम, सबसे बड़ी किसानों की समस्या है कि जैसे सरकार यहाँ पे 1735 रुपये या 1765 रुपये धानों का रेट दे देती है, लेकिन वहाँ के जो बिचौलिए जो एसमाई होते हैं वहाँ तक हम बेच नहीं पाते, वो मिलों के माध्यम से डायरेक्ट धान खरीद लेते हैं, और हमें जो है वेंडर के रूप में हम मिल वालों को या दूसरे को हम धान बेचते हैं तो धान हमें 1400 रुपये रेट मिलता है। उसमें सरकार से या फिर जो भी इस काम में लगे हुए हैं ऑफिसर ग्रेड, मैं उनसे यही करना चाहूँगा कि किसानों का धान खरीदा जाए। सबसे बड़ी मिर्ज़ापुर जिला के बहुत ज़्यादा आबादी, मतलब 60% आबादी कृषि पर निर्भर है। सोनभद्र में नहीं, पूरे भारत में महिलाओं की सेफ्टी को लेकर बहुत सारे इशूज होते आ रहे हैं, और इस बार भी चुनाव का मुद्दा महिलाओं की सेफ्टी नहीं आई है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार उन लोग महिलाओं के लिए बोले और महिलाओं के लिए कुछ ऐसे काम करें जिनके थ्रू हम उनका उनको वोट दें। तो गाजीपुर की स्थिति ये थी, इससे पहले हम तो बता नहीं सकते, हमारे खुद उम्र 18 साल है, तो लोग बोलते हैं वहाँ पर कोई भी इलाज कराने के लिए जाना पड़ता था बेचू में भी जाएंगे तो रास्ते में दम तोड़ देते थे, क्योंकि रास्ता बहुत बेकार था, मगर आज के डेट में 4 लेन बन गया है। काफ़ी कुछ पिछले सालों में हुआ है, जैसे कि शिक्षा हो गई, शिक्षा में भी काफ़ी विकास हुआ है, शिक्षा में अभी मेडिकल कॉलेज बन चुका है। ज़्यादातर किसानों पे होगा, जो मोदी जी ने किया किसानों के लिए बहुत अच्छा किया है, खासकर उन लोगों के लिए जो गाँवों से बच्चे आते हैं, जो उनके पेरेंट्स यानी किसान हैं, उनके लिए बाहर पढ़ाना बच्चों को काफ़ी मुश्किल रहा है, पर इसमें किसानों को इस बार बहुत मदद मिली है। ये वो वोटर है जो 21वीं सदी में पहली बार देश की सरकार चुनने जा रहे हैं, लोकसभा के लिए वोट देने जा रहे हैं।